ईवीएम मशीन में कैद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला महज चंद घंटे ही शेष हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं बालोद जिला के पाकुड़भाट स्थित लाइवलीवुड कॉलेज में, जिसे इस बार मतगणना केंद्र बनाया गया है। इस लाइवलीवुड कॉलेज में बालोद जिला के तीनों विधानसभा यानी कि संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र, डंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र और गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उनके मतों की गणना यहां पर की जाएगी। हम बता दें कि इस बार संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, डंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। यहाँ पर इस मतगणना स्थल में पूरी तैयारियाँ कर ली गई है और तीनों विधानसभा वार 14-14 टेबल लगाए गए हैं, जहाँ पर संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र में 19 राउंड में मतगणना होनी है, वहीं डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 20 राउंड में मतगणना होनी है तथा गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में 21 राउंड में मतगणना होनी है। यहाँ पर मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए कई नियम हैं, जिसमें मोबाइल या अन्य डिजिटल वस्तुएं पूरी तरह प्रतिबंध है। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतगणना के लिए पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर तैयार है, जो चंद घंटों बाद सुबह से ही मतगणना शुरू होगी और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ पर उन्हें मिल जाएगा। मोहनदास मानिकपुरी, IBC 24, बालोद।